जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी की है। जीतू पटवारी इसका नेतृत्व करेंगे। दरअसल इंदौर नगर निगम घोटाला, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाना, इसमें नीट और नर्सिंग घोटाला का विरोध भी शामिल रहेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है और इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे जीतू पटवारी। इंदौर नगर निगम में कथित घोटाला और भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर नीट और नर्सिंग घोटाला के विरोध में भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है। सरकार को घेरने का प्रयास और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का साथ ही जो आरोप लग रहा है नगर निगम में घोटाले का और नीट नर्सिंग घोटाला जैसे मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पौधारोपण करेंगे। दरअसल बिजली कंपनी मुख्यालय गोविंदपुरा में ये पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश भर के बिजली कंपनीज के परिसर में पौधारोपण होगा और आज 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने हैं और लक्ष्य है 1 लाख पौधों को लगाने का। बिजली कंपनी मुख्यालय गोविंदपुरा में एक पौधा लगाएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएंगे और बिजली मुख्यालय गोविंदपुरा में एक पौधा लगाया जाएगा और लक्ष्य 1 लाख पौधों को लगाने का लेकर चल रहे हैं और आज ही ये 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। प्रदेश की बिजली कंपनी गोविंदपुरा मुख्यालय में ये पौधा लगाकर मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। और ग्वालियर किला घूमने आए दो दोस्तों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की और दोनों को उरवाई गेट पर बेसुध होकर गिरे हुए देखा गया और पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची और दोनों ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है और दोनों की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। फिलहाल जांच में पता ये चला है कि एक शख्स ने परिवार से परेशान होकर जहर खाया है तो वहीं उसके दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए ऐसा किया। पुलिस अस्पताल से दोनों के ठीक होने के बाद जहर खाने के कारणों को लेकर भी पूछताछ करेगी। अगस्त को ये बोड़ापुर किले पर दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पड़े हुए थे, उनके साथ बताया गया कि वो जहर खा लिया है उन्होंने, साथ ही उनको जेआरओ हॉस्पिटलाइज कराया गया है। दोनों आपस में मित्र हैं और घटना की अभी पुलिस द्वारा तस्दीक की जा रही है। दोनों युवकों के DDB कराए गए हैं डॉक्टर और तहसीलदार साहब की उपस्थिति में, तो उनके अंदर जो भी तथ्य आते हैं परिवार के द्वारा जो भी बयान दिए जाते हैं उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई जो बनती है वो की जाएगी। और बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को डबरा के उदलपाड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 5 मोबाइल फोन्स और कई सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी केंद्रीय मंत्री का हवाला देकर अफसरों को ट्रांसफर करवाता था और खुद को केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बताता था। आरोपी ने MP के DGP से TI के ट्रांसफर के लिए मैसेज किया था और IG ने दोनों TI को निलंबित कर दिया। पुलिस आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित से पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 में भी पुष्पेंद्र ने विदेश मंत्रालय के फर्जी पत्र के आधार पर BSF कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाया था। खुलासा होने पर आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित पर दिल्ली में केस दर्ज हुआ और वो अपनी ID पर हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ फोटो लगाकर झांसा देता था।